हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बच्चों के लिए प्लेइंग कार्ड्स होल्डर बनाने वाले हैं। एल्डर्स जिन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है, जो लंबे समय तक कार्ड्स पकड़ नहीं पाते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। होल्डर बनाने के लिए हमें तो ओल्ड सीडीज़ लेनी है। सीडीज़ नहीं है तो आप कार्डबोर्ड को भी सीडी जैसे कट करके यूज़ कर सकते हो। दो सेम सीडी के साइज़ की स्पॉन्ज बैडिंग लेनी है और दो थोड़े बड़े साइज़ के सर्कल फैब्रिक पीस लेने हैं, जो सीडी से अराउंड 1.5 या 2 इंच बड़े हो। और नीडल एंड थ्रेड लेना है और दो बड़ी साइज़ के बटन्स लेने हैं। सबसे पहले फैब्रिक के दो पीस में से हमें एक पीस लेना है और उसके ऊपर रनिंग स्टिच लेना है। पूरे सर्कल में बॉर्डर से 1 सेंटीमीटर गैप रखते हुए हम रनिंग स्टिच लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे दिखाया है वैसे, ना ही बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटे, ऐसे स्टिचेस लेने हैं। इस तरह पूरे सर्कल में स्टिच लेने के बाद हम बीच में पहले बैटिंग रखेंगे और उसके ऊपर सीडी रख देनी है। इस तरह से सेंटर एडजस्ट करके रखें और थ्रेड को खींचना है। ध्यान रखें कि खींचते वक्त थ्रेड टूट ना जाए। अच्छे से टाइट करने के बाद हम वहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह हमारा होल्डर का एक पीस रेडी हो जाएगा। सेम मेथड से दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। अब दोनों पीस को वीडियो में दिखाया अनुसार रख के बीच में स्टिच लगा लेने हैं। स्टिचेस को बहुत ही मजबूती से लगाना है। कम से कम 15 से 20 स्टिचेस लगाए ताकि ये दोनों पार्ट मजबूती से आपस में जुड़ जाए। थ्रेड को अच्छे से खींचते हुए स्टिचेस लगाए और लास्ट में नॉट लगाकर स्टिचेस को सिक्योर कर लें। देखिए ये रेडी है। फिर इस स्टिचेस के ऊपर हमें बड़े बटन लगा लेने हैं दोनों तरफ। आप चाहे तो उसे नीडल और थ्रेड से स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ ग्लू से स्टिक किया है। ग्लू की वजह से हमारे स्टिचेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। टाडा, इट्स रेडी टू यूज़। देखिए कितने अच्छे से कार्ड होल्ड करता है और कहीं बीच में उठ के जाना पड़े तो ऐसे उल्टा रख कर भी जा सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट डाउन योर थाट्स एंड शेयर विथ अदर्स टू। Thanks for watching.